हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम अलैकुम दिस इज खुशबू विद अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दिस इज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 73 फ्रॉम एनसीईआरटी. द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें इन इक्वेशंस को इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. एरिया हमें गिवन है. सो फर्स्ट पार्ट में हमें एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. सो हमें ये ब्रेथ नहीं पता कितनी है. अगर हम उसको लेट कर लें x मीटर्स तो लेंथ कितनी आएगी. हमें लेंथ के लिए ये सिचुएशन गिवन है कि लेंथ इज वन मोर देन एक ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ के ट्वाइस से लेंथ एक ज्यादा है. वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ का हमने ट्वाइस कर दिया. तो वहां पर इक्वेशन क्या बनेगी. एरिया की इक्वेशन एरिया रेक्टेंगल की फॉर्मूले के लिए होता है एल इन टू बी. सो एरिया हमारे पास है 528, लेंथ है 2x प्लस 1 एंड विड्थ इज x. सो ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x. दैट मीन्स ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस x. 528 को उधर ले जाएंगे तो -528 इक्वल टू 0. ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम इसे फॉर्म कर रहे हो बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको जाना है. जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाना है. सो नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के लिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. कंजेकेटिव नंबर्स होते क्या है जो कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक आते हैं. दैट मीन्स जैसे कि 1 है 1 के बाद 2 2 3 3 4 17 18 19 21 19 20 एक के बाद एक आने वाले नंबर्स. तो अगर मैं लेट करूं एक नंबर मेरा x है तो अगला नंबर विल बी x प्लस 1 उसके बाद वाला. सो लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1. हमें क्वेश्चन में कहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट मतलब जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट आता है 306. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306. इसको इधर ले आएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गई हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So, जैसे जैसे बोल रहा है बिल्कुल इस अकॉर्डिंग चलना है. सबसे पहले लेट करना है जो भी कहा है और उसके बाद उसको इक्वेशन में पुट करना है. सो दिस वॉज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एनसीईआरटी. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. टिल देन गुड बाय टाटा सायनारा.